मेरा नाम विष्णु है एंड करीबन 15 साल पहले मुझे एक स्पोर्ट्स खेलते हुए चोट लगी थी और चोट लगने पर डिसलोकेशन हुआ था। जब मैं थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कई तरह की डिसलोकेशंस होती हैं और मेरा डिसलोकेशन लेफ्ट शोल्डर का इंटीरियर था। एंड कई लोगों ने सजेस्ट किया कि एक बार हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, बट कुछ सालों बाद ये फिर से हुआ और वो रिएकरिंग हो गया था। एंड पिछली बार जब हुआ था तो इस बार इस तरह से ये सब हुआ कि मैं उसको किसी की मदद से वापस अपनी जगह पर जोड़ नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि ये शायद आगे जाके काफ़ी दिक्कत देगा। तो इस वजह से फिर मैंने काफ़ी सर्च करना शुरू किया, क्लासमेट्स वगैरह से बात की, तो सुनने में आया कि की होल सर्जरी वगैरह होती हैं जहाँ पे स्कार वगैरह मार्क्स वगैरह नहीं होते हैं और दोबारा से आप वो सारी मोशंस कर पाते हो जो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं डिसलोकेशन की वजह से। और ऐसे ही सर्च करते हुए यूट्यूब वगैरह पर जब मैंने वीडियोज़ देखे तो डॉक्टर मनु बोरा के बारे में काफ़ी सुना और साइट वगैरह पर जाने के बाद जानकारी काफ़ी मिली और उनको मैंने कंसल्ट किया अलॉन्ग विद माई MRI स्कैन। तो उन्होंने जो प्रोसीजर बताया था मुझे उसी के मुताबिक करीबन 1 महीने के बाद मैंने सर्जरी कराई है और कल मेरी सर्जरी हो गई है। इसके बाद अभी थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत पेन है, वो तो ड्यू प्रोसेस चला जाएगा एंड फिजियोथेरेपी भी मेरी स्टार्ट हो गई है कंटिन्यूसली। तो आपके साथ क्या हुआ है कि ना ये जो हाथ की हड्डी है ना इसमें भी बड़ा खड्डा था, ये देखना ये हाथ की हड्डी में खड्डा है बहुत बड़ा है, तो यहाँ मुझे एक और एंकर लगाना पड़ा, इसको बोलते हैं रैम्प्लिसाज प्रोसीजर, रैम्प्लिसाज भी किया। डिसलोकेशन जिससे हो रहा था वो ये बैंक आर्ट है, हल्का सा है ना, ये ड्रेसिंग अगर गंदी होती तो बदलानी है, अगर गंदी नहीं होती तो बदलाने की कोई जरूरत नहीं, ये 15 दिन में टाके निकलेंगे। चलिए बेस्ट होगा, थैंक यू। नाउ इट्स बीन 4.5 मंथ्स, ऑल द फंक्शनल एक्टिविटीज एंड द एक्टिविटीज फॉर मोर टीम फॉर मी, आई एम मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड माय रिहैब इज ऑन। इट्स बीन अ गुड जर्नी एंड आई एम कॉन्फिडेंट एनफ टू डू ऑल द रूटीन जॉब्स, द नॉर्मल रूटीन इज फाइन एंड इट इज अपॉन द स्ट्रेंथ व्हिच आई एम गेनिंग डे बाय डे व्हिच विल इंप्रूव। ऑर्थो स्पोर्ट, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।